इनडायरेक्टली क्यों कहे, नाम ले लेते गुनाहगार का, नाम भी हमारे शहर में आए तो नाम भी ले लेते, अच्छा होता। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, शायद मोहन भगवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मज़हब नहीं है। आरएसएस ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मज़हब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आइन बनाया है, उसके मुताबिक इस मुल्क का एक मज़हब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मज़हब को मानने वाला है। अगर ये उनकी बात सच होती जो झूठ है, तो फिर हमारे संविधान आइन में जो प्रियम्बल है, जिसमें अंबेडकर ने हम तमाम से कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो, ये कब हासिल होगा? जब हम तमाम लोग अपने आप को अपने अपने उसूल पर चलेंगे। तो ये इनका सोच है, आरएसएस की सोच यही है कि इस खूबसूरत मुल्क का एक ही मज़हब बना कर रख दिया जाए, जो नहीं हो सकता जब तक संविधान है। ये देखिए, आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है, वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, वो उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था, तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था, तो अगर वो भी अगर ये इनके बयान के वो भी गलत है, फिर जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए इमरजेंसी में, स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए, ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद किए हैं, कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था, वो क्या था फिर? ये तो इनका ये स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी का, ये तो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है, और गलत है, वो बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में आपको ये जो प्रोटेस्ट में क्या करना है आपको? ये तो सरकार को अंडरमाइन कर रहा है, ये तो सरकार की बेइज्जती हो रही है इस तरह का बयान देकर। अब अफसोस करना क्या है भाई, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए। हमको कोई रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम संविधान को बचा रहे हैं, हम इस मुल्क को मज़हब की बुनियाद पर चलाने के ख़िलाफ़ हैं। तो रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट उन लोगों को होगा जो आज आंखें बंद करके गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, उनको रिग्रेट होगा कि हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा मोड़ भी आया था जहां पर सबको उठकर इस देश को, इस गांधी अंबेडकर के मुल्क को बचाना था। अगर आज अगर कोई खामोश बैठा है और अपनी आंखें बंद कराए, तो उनको बड़ा अफसोस होगा और ज़िंदगी भर उनको मलाल होगा। मुझे नहीं होगा, ना जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं होगा। नहीं, मुझे तेलंगाना की आवाम पर पूरा भरोसा है, यकीन है। तेलंगाना की आवाम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाली है, तेलंगाना की आवाम भाईचारगी और मोहब्बत पर यकीन करने वाली है, और यकीनन ये तमाम ताकतें पूरी कोशिश करेंगी। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये आवाम जो पिछले 5-6 साल से रियासत तेलंगाना बनने के बाद जो यहाँ पर अमन रहा है, उस अमन को और मज़बूत करेंगे, और ऐसी ताकतों को जो नफ़रत फैलाती हैं उनको कोई मौका नहीं देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि एक यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद सेकुलर हैं, तो मुझे यकीन है कि जब तक केसीआर ज़िंदा रहेगा, ये आरएसएस बीजेपी को बहुत मुश्किल होने वाली है। नहीं, एक अच्छी शुरुआत है। नहीं, मेरा मानना यह है कि तमाम कमज़ोर तबक़ात को, अप्रेस सेक्शन को एक जगह जमा होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा मानना यह कि अच्छी शुरुआत है।